फॉल्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भरवा करेले बनाने का तरीका देखेंगे। भरवा करेले बनाना बहुत ही आसान है, आप इन करेलों को 10 दिन तक रख सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। इस वीडियो के अंत में हम टिप ऑफ द वीडियो भी देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि किस तरह से आसानी से बनाया जा सकता है। तो अभी हम देख लेते हैं हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। ये हमने 7 करेले लिए हैं, जिन्हें हमने छीलकर बीच में से चीरकर नमक लगाकर 2 घंटे के लिए रख दिया है। ये हमने 8 प्याज छोटे छोटे काट लिए हैं। मसाले देख लेते हैं, हमने 1 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच खटाई, और हमने धागा लिया है जिसे हम करेलों को लपेट देंगे, जिससे हमारे मसाले बाहर ना निकले। अब हम गैस ऑन करेंगे। हमने इस पर कढ़ाई को रख दिया है। अब हम 2 चम्मच रिफाइंड कढ़ाई में डालेंगे, इससे हम मसाला तैयार करेंगे जो हम करेले में भरेंगे। अभी हम तेल को गर्म होने देंगे। अब हम आपको दिखाएंगे करेले को कैसे छीलकर हमने तैयार किया है। इस प्रकार से हमने करेले के छिलके को छील लिया है। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से हमने छिलका उतार दिया है। और अब हम इसमें बीच में एक चीरा लगा देंगे और इन करेलों को अब हम नमक डाल के 2 घंटे के लिए रख देंगे। ये कटे हुए करेलों को, जिनमें हमने नमक लगाकर 2 घंटे के लिए रखा था, इनको हम 2 बार पानी से धो लेंगे और निचोड़ देंगे। इस प्रकार हम करेलों को धो के निचोड़ के प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे ही आपको 2 बार निचोड़कर प्लेट में निकाल लेना है। हल्का सा गर्म हो गया है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हम ये मिक्स करके भूनेंगे। प्याज को हम 2 मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे, जब तक ये गुलाबी ना हो जाए। प्याज ये कढ़ाई में डालकर हम भून रहे हैं। इसमें हम नमक डालेंगे सबसे पहले, जिससे कि प्याज जल्दी से भून जाए। बाकी मसाले प्याज के गुलाबी होने के बाद भी डालेंगे। तो इस तरह से अभी हम प्याज के गुलाबी होने का वेट करेंगे और 2 मिनट तक भूनेंगे। प्याज को हमने 1 मिनट तक भून लिया है। अभी हम गैस को धीमा करके प्याज को भूनेंगे। प्याज को हमने 1 मिनट तक भून लिया है। अब हम गैस को हल्का सा धीमा करेंगे और प्याज को और गुलाबी होने तक भूनेंगे। 2 से 3 मिनट तक प्याज भूनने के बाद देखिए, इसका रंग हल्का गुलाबी हो गया है। मींस हमारा प्याज अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे और इसको भूनेंगे। हमारी हल्दी भी मसाले में भुननी चाहिए। बाकी मसाले अभी हम ऐड नहीं करेंगे, हल्दी के भुनने के बाद ही ऐड करेंगे। देखिए, अब हमारी हल्दी भुन चुकी है। अब हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर डाला, धनिया पाउडर डाला है, गरम मसाला पाउडर डाला है, और हम इन सब मसालों को भूनेंगे हल्का सा। बस थोड़ी सी देर में ही अब हमने भून लिए हैं सारे मसाले। अब हम गैस को बंद कर देंगे और हम इसमें अब खटाई पाउडर या आमचूर पाउडर डालेंगे। गैस बंद करने के बाद ही आमचूर पाउडर डालें और इसके बाद अब हम मसाले को ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके फिर ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये मसाले को कढ़ाई से निकालकर हम एक प्लेट में रख देंगे, जिससे मसाला ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद ही हम करेलों में मसाला भरेंगे। अभी हमारा ये प्याज का मसाला जो हम करेले में भरने वाले हैं ठंडा हो चुका है। इस प्रकार से हम करेले में मसाला भरेंगे।
आप इस तरह से अच्छे से दबाकर मसाले को करेले में भरिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बिल्कुल भरा गया है, इसी तरह से आपको भरना है। अब हम धागे की सहायता से इस करेले को लपेट देंगे जिससे कि हमारा मसाला करेले से बाहर ना निकले, तो इसे पकाने में आसानी रहेगी और मसाला करेले में ही रहेगा। इस प्रकार से एक गांठ लगा के धागे को बंद कर दीजिए। इसी तरह से आपको सारे करेलों को इसी प्रकार मसाले से भरना है। सारे करेलों में प्याज भरकर उन्हें धागे से बांध दिया है। अब हम गैस ऑन करेंगे। इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम गैस को हल्का धीमा कर देंगे और सारे करेले कढ़ाई में रख देंगे। करेलों को एक बार कढ़ाई में चलाकर और गैस को धीमी आंच पर ही इन करेलों को 15 मिनट तक पकने देंगे। कढ़ाई को हम किसी भी चीज से ढकेंगे नहीं, अगर हम ढक देंगे तो हमारे करेले कड़वे हो जाते हैं, तो हमें बिना ढके ही करेलों को 15 मिनट तक पकाना है। करेले को बीच बीच में पलट देंगे जिससे कि ये सब तरफ से सिक जाए। 15 मिनट तक हम ऐसे ही पकाएंगे और बीच बीच में बार बार इनको पलटते रहेंगे। देख सकते हैं करेले का रंग बिल्कुल बदल चुका है। लगभग हमने 15 से 20 मिनट तक करेलों को पकाया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और हमारे ये करेले बनके तैयार हैं। बिल्कुल अच्छे से इसी रंग में करेले आ जाने चाहिए। हमारे करेले बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। आप अगर फ्रिज में इनको रखेंगे तो आप लगभग 10 दिन तक इनको रख सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होते। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तब भी आप इनको ले सकते हैं, लगभग 2-3 दिन तक ये आराम से टिक जाते हैं बिना खराब हुए। अब हम आपको बताएंगे जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था टिप ऑफ द वीडियो। नंबर 1 टिप इज प्याज को भूनते टाइम अगर हम नमक डाल देंगे तो प्याज बहुत जल्दी भुन जाता है। टिप नंबर 2 खटाई हमेशा मसालों के भूनने के बाद ही गैस को बंद कर डालें। टिप नंबर 3 करेलों को ढककर नहीं पकाना है जिससे वो कड़वे हो जाते हैं, तो हमेशा बिना ढके हुए ही करेले को पकाया जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल क्रिएटिव इजी फॉर यू को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे जब भी हम वीडियो अपडेट करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारे वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।